भारतीय टीम 10 दिसंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने मैदान पर उतरेगी, जिसके बाद दोनों टीमों के बीच इतने ही वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वनडे और टी20 सीरीज के लिए आराम मांगा है, इसलिए टी20 टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में रहेगी। वहीं टीम के उपकप्तान की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा को दी गई है। दूसरी ओर तीनों वनडे मैचों की सीरीज के लिए केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम को दिसंबर महीने के अंत में साउथ अफ्रीका के दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसको लेकर चयनकर्ताओं ने टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम की कप्तानी का जिम्मा जहां रोहित शर्मा संभालेंगे, तो वहीं केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर की लंबे समय बाद टेस्ट टीम में वापसी हो रही है। ये भारतीय टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण की दूसरी सीरीज होगी। इससे पहले टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी, जिसमें उन्होंने 1-0 से जीत हासिल की थी। भारतीय सेलेक्टर्स ने साउथ अफ्रीका दौरे पर 2-4 दिवसीय मैचों के लिए भी भारतीय ए टीम की घोषणा की है। इस टीम की कप्तानी का जिम्मा विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत को सौंपा गया है, जो टेस्ट सीरीज के लिए टीम का हिस्सा नहीं है। भारतीय ए टीम अपना पहला मैच 11 से 14 दिसंबर तक, जबकि दूसरा मुकाबला 26 से 29 दिसंबर तक खेलेगी। वहीं सीनियर टीम इस दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का अपना पहला मुकाबला 26 से 30 दिसंबर तक सेंचुरियन के मैदान पर खेलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टी20 मैच 1 दिसंबर को रायपुर के मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले से ही सीरीज में 2-1 से आगे है। रायपुर के मैदान पर अभी तक सिर्फ 1 ओडीआई मैच खेला गया है। उस मैच में न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 108 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद आसानी से टीम इंडिया ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया था। हालांकि इस मैदान पर आईपीएल और चैंपियंस टी20 लीग के कई मैच हो चुके हैं। साल 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका के संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें आखिरी टीम के तौर पर युगांडा ने क्वालिफाई किया है। इसी के साथ वनडे वर्ल्ड कप 2023 से बाहर रहने वाली जिम्बाब्वे इस टी20 वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए नहीं दिखाई देगी। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अफ्रीकी रीजन से 2 टीमों ने क्वालिफाई करना था, जिसमें से पहली टीम के तौर पर नामीबिया ने जगह पक्की की थी। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज शेन डाउरिश ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। डाउरिश ने अपना आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर 2020 में खेला था, जबकि अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ डबलिन में खेला था। उनका सिलेक्शन हाल ही में रविवार से शुरू होने वाली इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हुआ था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा ही संभालेंगे। वहीं इस टीम में स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी टीम में शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह टीम के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच 2022 में खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ, के बाद पीठ में चोट के कारण लगभग 1 साल से क्रिकेट के मैदान से वे दूर रहे थे। अगस्त 2023 में जसप्रीत बुमराह ने आयरलैंड दौरे पर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी और अब वे टेस्ट टीम में भी लौट आए हैं। साउथ अफ्रीका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को टीम में शामिल नहीं किया गया है। पुजारा जहां वेस्टइंडीज दौरे पर खेली गई टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा नहीं थे, तो वहीं रहाणे को उस दौरे पर टीम के उपकप्तान होने के बावजूद इस दौरे के लिए टीम में अपनी जगह बना पाने में कामयाबी नहीं मिली है। पुजारा जहां अब तक 4 बार साउथ अफ्रीका का दौरा टीम इंडिया के साथ किया है, तो वहीं रहाणे भी 3 बार साउथ अफ्रीका जा चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में धमाल मचाने वाले स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को बड़ा मौका मिला है। रिंकू सिंह को साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए टी20 के साथ साथ वनडे टीम में भी शामिल किया गया। ये पहला मौका है जब रिंकू सिंह भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। पीसीबी ने शान मशहूद को लेकर बड़ा फैसला लिया है। टेस्ट कप्तान बनने से पहले शान मशहूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी ग्रेड में थे। अब पीसीबी ने उन्हें डी से बी ग्रेड में कर दिया है। ये फैसला बोर्ड की नीति के अनुरूप लिया गया है। यदि ए या बी ग्रेड से नीचे के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ी को कप्तान नियुक्त किया जाना है, तो उनके ग्रेड को अपग्रेड करके बी कर दिया जाता है और ये उनके लिए कार्यकाल तक लागू रहता है।